आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जी को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई बार बोला कि हम 20,000 टेस्ट रोजाना करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री को भी उन्होंने कहा कि प्रतिदिन जो है हम लोग 10,000 करेंगे। लेकिन पिछले 2-3 दिन को छोड़ करके बाकी सारे महीनों का अगर हम औसत अगर बिहार का निकालते हैं तो पूरे देश भर में सबसे कम है और निराशाजनक है, और बल्कि सबसे ज़्यादा कोरोना का कहर पूरे देश में अगर देखा जाए तो बिहार में फैल रहा है। सरकार जो है आंकड़ों के साथ जो है खिलवाड़ कर रही है, सही चीज़ लोगों को नहीं बता रही है। एक दिन की जो टेस्टिंग होती है उसको 2 दिन में करके बता रही है। अगर उदाहरण हम दें तो मान लीजिए एक दिन में अगर 2,000 लोग पॉजिटिव पाए गए तो आज बताएगी कि 1,100 लोग पॉजिटिव हुए और अगले दिन बताएगी कि 900 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। पहले भी आप लोग देखेंगे कि जो प्रधान सचिव थे सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते थे, फिर शाम में भी 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीजों को बताते थे। क्या इसी वजह से पारदर्शिता उन्होंने रखी, क्या इस वजह से उनका तबादला किया गया, हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं। और हम लोगों की मांग है कि भाई जिस दिन जितने पाए गए पॉजिटिव उतना सही आंकड़ा सरकार को देना चाहिए, ना कि एक दिन का 2 दिन में विस्तारित रूप से करके जो है वो बता रही है, वो नहीं बताना चाहिए। और आप सब लोगों को पता है कि यहाँ नीतीश कुमार जी के काम को लेकर के हर लोगों में निराशा है और सब लोग जो है नीतीश कुमार जी के विफलता को देखते हुए जो सेंट्रल जो है केंद्र सरकार जो है वो एक कमिटी भेज रही है आज। और हम तो धन्यवाद देंगे कि जो कमिटी आ रही है बिहार की जमीनी हकीकत को देखते हुए जानते हुए और जो खतरा जो को देखते हुए जो सेंट्रल कमिटी जो आ रही है, ये नीतीश जी के विफलताओं को लेकर के ये कमिटी जो है भेजी जा रही है।